हर हर महादेव भक्तों, जय माता दी। भक्तों, मैं आपकी फ्रेंड माधुरी एस्ट्रोलॉजर आज इस वीडियो में आप सबके साथ चैत नवरात्रि हम सबको पता है आने वाली है, तो किस विधि से आपको कलश स्थापना अपने घर में करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे रूल होते हैं जो नवरात्र में आपको फॉलो करने हैं, और व्रत किस विधि विधान से रखना चाहिए, पारण किस दिन करना है व्रत का, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करूंगी। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इंस्टा पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर करें, और प्रेम से जय माता दी कमेंट करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भक्तों, इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ दिन प्रतिपदा तिथि में हम सभी कलश स्थापना करते हैं, तो हम सभी 2 अप्रैल के दिन अपने अपने घरों में कलश स्थापना करेंगे। जी हाँ, प्रतिपदा तिथि जो है वो 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हो जाएगी 11:30 से, पर हम 1 अप्रैल के दिन कलश स्थापना नहीं करेंगे, इस बात को आप याद रखिए। हम उदया तिथि से ही कलश स्थापना करेंगे, तो 2 अप्रैल के दिन कलश स्थापना करनी है। दिन होगा शनिवार का, और जो मुहूर्त होगा सबसे शुभ मुहूर्त सुबह सुबह का 6:32 से लेकर के 8:31 का। जी हाँ, इस मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी है। अगर आप किसी कारणवश इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो आपको चाहिए अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करें। नाम से ही पता चल रहा है, अभिजीत मुहूर्त, जिसमें हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर में 12:17 से लेकर के 1:07 का। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ना, आप में से बहुत सारे भक्तों को पता नहीं है कि शुभ मुहूर्त में क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि शुभ मुहूर्त तो इतना कम समय का होता है, उसमें हम कलश स्थापना कैसे करेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सी मीनिंग होती है कि आपको सारी तैयारी पहले से कर लेनी है। कलश स्थापना के दिन समय आपको क्या करना, जो हम मिट्टी जौ बोते हैं ना मिट्टी में, और जो दीपक जलाते हैं, वो कार्य आपको शुभ मुहूर्त में करना है, इस बात को याद रखिए। बाकी सारी तैयारियां आप पहले से आराम से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शुभ मुहूर्त में आपको यही दो कार्य करने हैं, दीपक प्रज्वलित करना है और जौ बोना है, ये दो कार्य मेन होते हैं। अब किस प्रकार से आप कलश स्थापना करेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है ना, आपको अपने घर में नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट डायरेक्शन में इस प्लेस पे खूब सुंदर सी चौकी रखनी है। जो भी प्लेस आपको अवेलेबल है वहाँ साफ कर लें अच्छे से, और उसके बाद में चौकी रखेंगे। चौकी पे खूब सुंदर सा लाल कलर का वस्त्र बिछाएंगे, और साथ में आपके पास अगर फोटो है या मूर्ति है माता की, आप उस कुछ भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप फोटो रखें या माता की मूर्ति रखें। साथ में अगर आपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है या भोले बाबा की फोटो है, तो आपको वो भी साथ में रखनी चाहिए। देखिए, एक बात यहाँ याद रखिए कि हम ना नवरात्रि में केवल माता की पूजा नहीं करते हैं, कभी भी हम माता की पूजा प्रभु के बिना करेंगे ना तो स्वीकार नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार से प्रभु की पूजा जब हम करते हैं भक्ति भाव से करें, परंतु हमें माता को आवाहन करना चाहिए, क्योंकि माता तो माँ है, सब चाहते हैं उनकी कृपा हमें मिले। अब फ्रेंड्स, आपको फोटोज रखनी कैसे है, मूर्ति कैसे स्थापित करनी है चौकी पे, वो ध्यान से सुने आप। सबसे पहले आपको जमीन पे खूब सुंदर सी रंगोली बनानी है। रंगोली के ऊपर आपको चौकी रखनी है, और चौकी के ऊपर आप माता रानी की फोटो रखेंगे, भोले बाबा की फोटो या मूर्ति जो है रखेंगे। कहाँ रखेंगे, देखिए, हमें एक गणपति बप्पा की मूर्ति या फोटो चाहिए, या फिर आप चाहें तो सुपारी होती है ना, उन पे हम मूली बांध करके भी उनसे गणपति बप्पा की स्थापना कर सकते हैं। एक बात और, जब हम पंडित जी को अपने घर पे बुलाते हैं कलश स्थापना के लिए, तो वो 16 मास्तिका और 9 ग्रहों का भी आवाहन करते हैं, उनके लिए भी अलग से सारी की सारी तैयारियां की जाती हैं। पर आप अगर स्वयं से कर रहे हैं कलश स्थापना, तो मैं आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 9 ग्रहों को और 16 मास्तिका का स्थापना नहीं करेंगे, केवल मन से उन्हें प्रणाम करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई भी गलती हुई आवाहन के मंत्र में, तो उसका पाप अपराध आपको अवश्य लगेगा। इसलिए आप सिंपल विधि से स्वयं से स्थापना कर रहे हैं, बहुत सिंपल विधि में करिए, और माता से प्रार्थना करके करिए कि माँ, मैं भक्त हूँ, मैं आपका बालक हूँ, आपकी बालिका हूँ। और माता स्वयं कहती है ना कि पूत कपूत होते हैं, पर माता कुमाता कभी नहीं होती हैं, ऐसा हमने पढ़ा है, तो आप तो माँ हैं,
आप तो राक्षसों पर भी अपनी कृपा करती हैं, तो मैं कौन सा कम हूँ, उस पर भी अपनी कृपा कर दीजिए माँ। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेंगे आप। अब सबसे पहले सुबह आपको स्नान करना है, स्नान करके तिलक लगाना है, आपको हाथ में अपने मौली बांधनी है। किसी भी फैमिली मेंबर से आप मौली बंधवा सकते हैं। जो शुभ मुहूर्त मैंने स्टार्ट में बताया, उस शुभ मुहूर्त में आपको चौकी के ऊपर खूब सुंदर सा वस्त्र बिछा करके फोटोज रख देनी है। भोले बाबा के हाथ के, जी हाँ बाबू, भोले बाबा का जो लेफ्ट हैंड है ना, उसके उस बाजू में आप माता की मूर्ति या फोटो को स्थापित करेंगे। इस बात को याद रखिए, लोग यहाँ गलती क्या करते हैं ना कि माता को कहीं भी स्थापित कर देते हैं, ये करना गलत है। या तो आप भोले बाबा को माता के सामने रखिए अगर शिवलिंग है, या फिर आप चाहें तो माता के राइट हैंड के बाजू में आप रखेंगे भोले बाबा को। कोई भी डाउट हो रहा है आपको, समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, टाइम है आपके पास में, यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8691873745। मैं सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में आपको दूंगी, कोई भी चार्जेस इसके लिए नहीं लगाए जाएंगे। गणपति बप्पा को आपको माता के लेफ्ट हैंड के बाजू में रखना है, इस बात को याद रखिए। जी हाँ, हमारे धर्म शास्त्र में बताया गया है संतान का स्थान जो होता है माता के बाएं तरफ होता है, तो इस बात को ध्यान में रख करके गणपति बप्पा की स्थापना करिए, ना कि राइट साइड में रखेंगे। अब आपने गणपति बप्पा को आप चाहें तो पान के पत्तों पर स्थापित करें, या फिर आप चाहें तो फूलों का आसन दें, या आपके पास खूब सुंदर सा सिंहासन है तो आप सिंहासन पर उनकी स्थापना करें। और फिर सबसे पहले आपको पंचामृत तैयार रखना है। पंचामृत बनता कैसे है, दूध, दही, देसी घी, मधु, शक्कर, और इसमें आपको थोड़ा सा केसर डाल लेना चाहिए। जी हाँ, और इसके बाद आप इस पंचामृत से सर्वप्रथम गणपति बप्पा का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद में उनका जल से अभिषेक करेंगे, फिर उन्हें आप स्थापित करेंगे। स्थापित करते समय एक बात याद रखिए, आपने जो मूर्ति रखी है या फोटो रखी है या सुपारी के गणपति बप्पा अगर आपने बनाए हैं, तो उनको टच करके आप उनके ऊपर अपना राइट हैंड रखते हुए 15 बार ओम 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 इस तरह से उच्चारण करेंगे। जब आप इस तरह से उच्चारण करते हैं ना, विच मीन्स गणपति बप्पा वहाँ पर स्थापित हो गए हैं। अब यहाँ कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो क्या करते हैं, जैसे वीडियो देखते हैं उस हिसाब से स्थापना कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन भगवान जी को उठाएंगे, गणपति बप्पा जी को, वहाँ साफ सफाई करेंगे, फिर से रख देंगे। ऐसी गलती भूल करके भी नहीं करनी है। आपने प्रथम दिवस नवरात्रि के जिन जिन आइटम की स्थापना कर दी है, वो सभी आइटम चौकी पे उसी प्रकार से रहेंगे। फोटो माता रानी की, या फिर आपने मूर्ति रखी है, या भोले बाबा की मूर्ति फोटो, और साथ में आपने जो जौ बोए हुए हैं, और साथ में आपने जो दीपक जला के रखा है अखंड दीपक, उसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, इसमें से कोई भी आइटम आप हिलाएंगे नहीं, इस बात को याद रखेंगे। अब जब आपने गणपति बप्पा की स्थापना कर दी, तो उनसे हाथ जोड़ करके आप उनके मंत्रों का उच्चारण करिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हे गणपति बप्पा, आप सिद्धि विनायक हैं, प्रथम पूज्य हैं, आप रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सभी अरिष्टों को आप दूर करते हैं, हे विघ्नहर्ता, मैं आपका आवाहन करती हूँ 9 दिनों तक आप यहीं स्थापित रहिए, और मुझसे जो कुछ भूल गलती टूटी हो पूजा में, उसको क्षमा करके मेरी पूजा को निर्विघ्न पूरा करिए, मेरे व्रत को निर्विघ्न पूरा करिए। इस प्रकार से ना भाव भक्ति से आपको प्रार्थना करनी है। देखिए, मैं ट्राई कर रही हूँ पूरा डिटेल में आप सबके साथ सारी बातें शेयर करूँ, ताकि आपकी पूजा भी बड़े विधि विधान से हो जाए बिना पंडित जी के। अब जब आपने गणपति बप्पा की स्थापना कर दी, तो आपको मंत्र आते होंगे, मंत्र भी पढ़ लीजिए, 11 बार पढ़ लीजिए, 21 बार पढ़ लीजिए, या फिर आप गणेश चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको माता रानी का अभिषेक करना है पंचामृत से और गंगा जल से। अगर आप फोटो का अभिषेक करने के लिए, आपको क्या करना है, आपको एक जो आपने फूल रखे हुए हैं, एक फूल लेना है, फूल के ऊपर जरा सा गंगा जल डालेंगे, उससे आप थोड़ा थोड़ा सा माता रानी के ऊपर हल्का सा छिड़काव करेंगे, फिर उसके बाद उसी फूल पे आप पंचामृत लेंगे और उससे माता के फोटो पे छिड़काव करेंगे, फिर अगेन गंगा जल से छिड़काव करेंगे, और बाद में उस फूल को माता के श्री चरणों में रख देंगे। अगर आपने फोटो रखी है गणपति बप्पा की या माता रानी की, तो सभी के लिए एक एक फूल यूज करके इस विधि से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, और हर रोज आपको इसी विधि से अभिषेक करना चाहिए। मूर्ति है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले दिन उनको स्थापित करते समय अच्छे से पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए, पर उसके बाद आप रोज रोज ऐसे नहीं कर सकते हैं, रोज तो आपको फूलों से ही अभिषेक करना है माता रानी का, चाहे फोटो हो चाहे मूर्ति हो।
अब भोले बाबा जी की भी अपना स्थापना की है। भोले बाबा जी का आप पंचामृत से और गंगा जल से अभिषेक करेंगे विधि विधान से। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आपने मूर्ति रखी है भोले बाबा की, शिवलिंग है, तो आप शिवलिंग को उठा करके रोज अभिषेक कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप शिवलिंग को उठाइए, उनका रोज अभिषेक करिए, रोज स्थापित कर दीजिए, चलेगा। अब आपने सबकी स्थापना कर ली, उसके बाद फ्रेंड्स आपको जौ कैसे बोना है अब इसकी बात करते हैं। देखिए, आप चाहें तो मिट्टी का पात्र ले लें या फिर आप थाली भी एक ले सकते हैं। उस थाली में आपको सबसे पहले मिट्टी को साफ करके अच्छे से डाल लेना है, और मिट्टी डालते समय आप क्या करेंगे ना, एक साथ में पूरी मिट्टी नहीं डालनी है, थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, थोड़ा सा जौ डालेंगे, फिर थोड़ी मिट्टी डालेंगे। यहाँ पे आपको 7 अनाज भी मिलते हैं मार्केट में, वो भी आप यूज कर सकते हैं, सतंजा जिसे हम कहते हैं, या फिर बाजरा और जौ जो होती है वो सारी चीज़ें आप मिला करके डालिए, और फिर थोड़ी मिट्टी, थोड़ा अनाज डालते हुए, जौ डालते हुए इस तरह से आप एक लेयर बनाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जो कलश स्थापना करते हैं वो जौ के बीच में कर देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप जौ के बीचों बीच में भी कलश स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप कलश स्थापना माता के सामने भी कर सकते हैं चौकी पे। और अब आपको जौ वाला पात्र रखना कहाँ है, आप चाहें तो माता के सामने रखें या फिर माता के राइट हैंड के साइड में रखना है। इस बात को याद रखिए, मोस्टली हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ रखना है, तो राइट हैंड साइड में, माता के चौकी के राइट हैंड साइड में आप खूब सुंदर सी प्लेस पर रंगोली बना लीजिए। आप चाहें तो गोबर से लेपन भी कर सकते हैं, फिर रंगोली बनाएं, हल्दी की रंगोली बनाएं, बहुत अच्छा होगा। उसके ऊपर फिर आप एक पाट रखें, पाट नहीं है तो आप डायरेक्ट भी जौ का पात्र रख सकते हैं, और जौ में हर सब दिन आपको 2 समय पानी देना चाहिए, सुबह के समय और शाम के समय, इस बात को याद रखेंगे। संध्या समय का, सूर्यास्त के पहले, और हर रोज उनकी पूजा करनी है, पंचामृत से उनका अभिषेक करना है, इस बात को याद रखेंगे। जरा जरा फूल में पंचामृत लगा करके फूल से उनके ऊपर छिड़काव करेंगे, इस विधि से आप अभिषेक करेंगे। अब फ्रेंड्स दीपक की बात करते हैं, हम अखंड दीपक जलाते हैं, जो भी व्रत रखते हैं भक्त वो तो अखंड दीपक ही जलाते हैं। तो अखंड दीपक कहाँ रखना चाहिए आपको, दीपक कभी भी आपको चाहिए कि आप माता के सामने रखें या फिर राइट साइड में रखें, इस बात को याद रखिए। दीपक को रखने से पहले आपको जमीन पे खूब सुंदर सी रंगोली बना लेनी चाहिए, और साथ में या तो आप थोड़े से चावल अच्छत जिसे हम कहते हैं उसका आसन प्रदान करेंगे, या फिर फूलों का आसन प्रदान करके फिर दीपक जलाते हैं ना, तो आपको दीपक को आचमनी देनी चाहिए, एक स्पून से थोड़ा सा पानी लेके आचमनी देके करेंगे, बोलेंगे एक सिंपल सा मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तु ते। इस मंत्र को पढ़ते हुए आप प्रणाम करेंगे दीपक जी को। फिर से मंत्र बोल देती हूँ, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तु ते। इस मंत्र का उच्चारण करके आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, और जब आप माता का आवाहन कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू मन में ना, जब तक स्थापना कर रहे हैं, नवाण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नवाण मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाण मंत्र है। इस विधि से आपको माता का स्थापना करते समय मंत्र का जाप करना है। अब फ्रेंड्स माता को भोग क्या लगाएंगे, देखिए 9 दिनों के लिए ना आप जितने चाहे उस प्रकार के भोग लगाएं, सात्विक भोजन यूज करेंगे माता को भोग लगाने के लिए, और उसमें ऑनियन गार्लिक का यूज नहीं करना है। आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा माता को मीठे आइटम्स का भोग लगाएं। ऐसे तो 9 दिन के भोग फिक्स होते हैं, प्रथम दिवस आपको गाय के देसी घी का भोग जरूर लगाना है, इस बात को याद रखिए। माता को मोती चूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, या बेसन के लड्डू, आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई मिठाई नहीं मिल रही ना, बहुत बार परिस्थितियाँ नहीं साथ देती हैं, तो क्या करेंगे, भोग नहीं लगाएंगे, लगाएंगे गुड़ खरीद के ले आइए, जैगरी जिसे हम कहते हैं, सबसे सस्ती आइटम होती है, उसका भोग लगा दीजिए। सबसे पवित्र माना गया है हमारे शास्त्रों में गुड़ का भोग लगाना, या फिर आप चीनी का भोग भी लगा सकते हैं। और 9 दिन के जो भोग होते हैं उसमें प्रथम दिन घी का लगाते हैं, दूसरे दिन शक्कर का, तीसरे दिन गाय के दूध का या गाय के दूध से बनी हुई मिठाई का, चौथे दिन कोहड़े का भोग लगाते हैं जिसे हम कुम्हड़ा कहते हैं, या फिर हरी इलायची का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मालपुआ का भी भोग लगा सकते हैं। पंचम दिवस हम माता को केले का भोग लगाते हैं, कदली का, और फिर छठवें दिन माता को मधु का भोग लगाते हैं जिसे हम हनी कहते हैं, और सातवें दिन माता को हम गुड़ का भोग लगाते हैं क्योंकि कालरात्रि माता का दिवस होता है,
आठवें दिन अष्टम दिवस हम सभी माता को नारियल का भोग लगाते हैं, श्रीफल जिसे कहा जाता है, और नौवें दिन आप माता को काले तिल के बने हुए तिल के लड्डुओं का या फिर काले तिल का भोग लगाइए। इस विधि से नौ दिन आपको ये नौ आइटम जरूर यूज करने हैं। अपार्ट फ्रॉम आप जो भी भोग लगा रहे हैं वो तो आप लगा सकते हैं, पर इन आइटम्स का भोग लगाना कंपलसरी है। पर जैसा आप सबको पता है नौ रात्रि मीन्स जो नौ रात्रि है ना वो स्पेशल होती है, तो यहाँ पे आपने पहले दिन जो कलश स्थापना सुबह के टाइम की या दोपहर के टाइम की, परंतु आपको हर रोज माता की पूजा रात्रि के समय करनी है। जी हाँ, रात्रि के समय आपको माता के सामने बैठ करके निशीत काल में, निशीत काल का समय होता है रात में, आप चाहें तो 12:15 से लेकर के 12:30 के बीच में माता के सामने बैठ करके उनके मंत्रों का जाप करें, और आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें, नवान मंत्र का जाप करें, या फिर आप चाहें तो सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येत्यं त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जाप करें। और नौ दिन अलग अलग माताओं के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। ओम शैलपुत्रे नमः, आप चाहें तो माता शैलपुत्री का प्रथम दिवस मंत्र जाप करें, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र जाप करें। इस तरह से आप हर दिन माताओं के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको क्या करना चाहिए, रात्रि के समय ही सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, और साथ में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपको रात में ही करना चाहिए। उसकी एक विधि होती है जिसकी वीडियो मैंने लास्ट ईयर डाली हुई है, आप चाहे तो लास्ट ईयर की वीडियोज जाके देख सकते हैं, या फिर वेट करिए मैं अपकमिंग वीडियोज का मेरे, तो आप नवान मंत्र का भी जाप करिए अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो। यदि जब आप माता के सामने दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं ना, तो आपको दीपक में गाय का देसी घी का दीपक जलाना है, और उसमें या फिर आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, और उसमें आपको दो लवंग डालने, फूल वाले लवंग डाल करके छोड़ देने हैं, वो उसी में रहेंगे। और चाहें तो आप गोमती चक्र अगर आपको मिल जाए तो आप दो गोमती चक्र भी डाल दें, या फिर एक गोमती चक्र भी डाल सकते हैं, डाल कर छोड़ दें। और माता को प्रथम दिवस ट्राई करें कि श्रृंगार के आइटम जरूर भेंट करें। जी हाँ, जैसे आपके घर में कोई आता है तो आप उनका कैसे वेलकम करते हैं, उसी प्रकार से माता अपने घर आई हैं तो माता को आप श्रृंगार के आइटम भेंट करें। आपकी जो भी क्षमता, जो चाहे आप वो आइटम्स माता को अर्पित करें, चाहे तो चुनरी, साड़ी, या फिर आप नेल पॉलिश, लिपस्टिक, जो आपका मन करता है आप माता को अर्पित करें। और बाद में जब 11 दिन हो जाते हैं, जब सारी चीज़ें हटा रहे हैं, तो आप अपने खुद के लिए भी यूज कर सकती हैं, या फिर आप किसी सुहागन स्त्री को या किसी बालिका को उसे दे भी सकती हैं।